हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लेट्स लर्न एवरीवन। मैं आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ न्यूज़पेपर वोकैबुलरी वर्ड्स, जो कि आज ही के न्यूज़पेपर की एक न्यूज़ में से मैंने इन्हें पिक किया है। इससे पहले भी मैं आपके साथ न्यूज़पेपर वोकैबुलरी शेयर कर चुकी हूँ, तो अगर आप उन वीडियोज़ को देखना चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा रिजम्पशन। रिजम्पशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है पुनरारंभ, मतलब दोबारा शुरू करना या किसी रुकावट के बाद दोबारा शुरू करना। मतलब कोई बीच में रुकावट आ गई हो, पहले से स्टार्ट हो कोई काम और बीच में रुकावट आ जाए, उसके बाद दोबारा से स्टार्ट किया जाए तो उसे बोलते हैं रिजम्पशन। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं रीस्टार्ट, रिकमेंसमेंट, रेस्टोरेशन और रिज्यूम। इसके अपोजिट वर्ड्स होते हैं फ्रीज, सस्पेंशन और पॉज, मतलब रोक देना या रुकावट। मतलब कोई काम हो रहा हो उसे रोक देना या उसमें कोई बाधा यानी कि रुकावट डाल देना। द रेन हैज़ स्टॉप्ड बट वी आर स्टिल वेटिंग फॉर द रिजम्पशन ऑफ द गेम। बारिश बंद हो गई लेकिन हम अभी भी खेल के शुरू होने का इंतज़ार कर रहे हैं। तो रिजम्पशन का मतलब पुनरारंभ या दोबारा शुरू करना, मतलब किसी रुकावट के बाद दोबारा स्टार्ट करना किसी चीज़ को या किसी काम को। नेक्स्ट वर्ड है कंसेंसस। कंसेंसस एक नाउन है जिसका मतलब होता है आम सहमति, आम राय या सर्वसम्मति या मतैक्य, मतलब बहुत सारे लोगों के बीच में एक राय होना, यानी कि सब लोगों की, जितने भी लोग हैं सबकी एक ही राय होना, एक ही ओपिनियन होना, तो इसे बोलती हैं आम सहमति या आम राय। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं एग्रीमेंट, हार्मनी, कॉनकॉर्ड और कॉन्सेंट, मतलब आम सहमति या सर्वसम्मति। इसके एंटोनिम वर्ड्स होते हैं डिसएग्रीमेंट, डिस्कॉर्ड, वेरिएंस और डिसअकॉर्ड, मतलब मतभेद या असहमति, लोगों के बीच अलग अलग राय होना, सबकी एक राय नहीं होना, एक ओपिनियन नहीं होना, सबके अलग अलग ओपिनियंस होना। देयर इज अ जनरल कंसेंसस अमंग गार्डियंस अबाउट द नीड फॉर ग्रेटर सिक्योरिटी इन स्कूल्स। स्कूलों में ज़्यादा सुरक्षा की ज़रूरत के बारे में अभिभावकों के बीच आम सहमति है, यानी सभी पेरेंट्स की या सभी गार्जियंस की एक ही राय है कि स्कूलों में ज़्यादा सुरक्षा होनी चाहिए, ज़्यादा सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो कंसेंसस का मतलब होता है आम सहमति, आम राय, सर्वसम्मति या मतैक्य। नेक्स्ट वर्ड है ट्रंकेटेड। ट्रंकेटेड एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है संक्षिप्त, खंडित या छोटा, मतलब काट छाट करके जिसे छोटा कर दिया गया हो। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं शॉर्टेंड, डिक्रीज्ड, अब्रिविएटेड, ब्रीफ और स्नॉप्टिक, मतलब संक्षिप्त, खंडित या छोटा। इसके अपोजिट वर्ड्स होती हैं लेंथेंड, एक्सटेंडेड, प्रोलोंग्ड, इंक्रीज्ड और एक्सपेंडेड, मतलब बढ़ा हुआ, लंबा या विस्तृत, मतलब कि डिटेल में। माय आर्टिकल वॉज पब्लिश्ड इन ट्रंकेटेड फॉर्म। मेरा लेख संक्षिप्त रूप में प्रकाशित किया गया था, मतलब उसको पहले काट छाट करके छोटा कर दिया गया, जो इम्पोर्टेंट था वही रखा गया और उसके बाद उसे पब्लिश किया गया। जितना आर्टिकल था पूरा ना पब्लिश करके उसे छोटा करके तब पब्लिश किया गया। तो ट्रंकेटेड का मतलब होता है छोटा, संक्षिप्त या खंडित, और ट्रंकेट का मतलब होता है काट छाट करके छोटा करना। ट्रंकेट एक वर्ब है जिसका मतलब होता है काट छाट करके छोटा करना या संक्षिप्त करना। इसका भी एक एग्जांपल दिया है मैंने, देख लीजिए उसे भी समझ लीजिए। आई ट्रंकेटेड माय वीडियो फ्रॉम 30 to 15 minutes। मैंने अपनी वीडियो को 30 मिनट से 15 मिनट तक छोटा कर दिया, मतलब 30 मिनट की थी तो उसे 15 मिनट का कर दिया। नेक्स्ट वर्ड है नोटबली। नोटबली एक एडवर्ब है जिसका मतलब होता है विशेषकर, विशेषता, विशेष रूप से, प्रमुख रूप से या खास तौर पर। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं
पर्टिकुलरली, स्पेशली, प्राइमरीली, रिमार्केबली और सिग्निफिकेंटली, मतलब विशेष रूप से, विशेषतः, विशेषकर या प्रमुख रूप से या फिर खास तौर पर। इसके एंटोनिम वर्ड्स होती है इनसिग्निफिकेंटली, ट्रिवियली, अनरिमार्केबली, मतलब साधारण रूप से या तुच्छ रूप से, मतलब कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट तरीके से नहीं, बस ऑर्डिनरी तरीके से। एग्जाम्पल से ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, तो चलिए समझते हैं एग्जाम्पल से। द हाउस हैड मैनी ड्रॉबैक्स, मोस्ट नोटेबली इट्स लोकेशन एंड प्राइस। घर में कई कमियाँ थीं, विशेष रूप से इसकी जगह और कीमत, मतलब घर में बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे, स्पेशली इसकी जगह अच्छी नहीं थी और इसके प्राइजेस बहुत ज़्यादा थे। तो नोटेबली मतलब खास तौर पर। नेक्स्ट वर्ड है एप्रीहेंशन। एप्रीहेंशन एक नाउन है जिसका मतलब होता है चिंता, डर, भय या आशंका। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं एंजाइटी, वरी, अनईज, कंसर्न, एजिटेशन, ड्रीड और फियर, मतलब चिंता, डर, भय या आशंका। इसके एंटोनिम वर्ड्स होते हैं कॉन्फिडेंस, कामनेस, ईज और पीस, मतलब आत्मविश्वास, चैन या सुकून। कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास, कामनेस, ईज और पीस मतलब चैन या सुकून। द चेंज इन द लॉ हैज़ कॉज्ड एप्रिहेंशन अमंग मैनी पीपल। कानून में बदलाव से कई लोगों में डर पैदा हो गया है। तो एप्रिहेंशन का मतलब चिंता, डर या भय। नेक्स्ट वर्ड है अनरिलेंटिंग। अनरिलेंटिंग एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अडिग, निरंतर, लगातार या टस से मस ना होने वाला, मतलब जिसे कोई बदल ना पाए, कॉन्टिन्यूसली वो एक जैसा ही रहे, उसे कोई भी चेंज ना कर पाए। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं कॉन्टिन्यूस, परसिस्टेंट, अनसीजिंग, अनस्टॉपेबल और इनफ्लेक्सिबल, मतलब निरंतर या लगातार या फिर टस से मस ना होने वाला। इसके एंटोनिम वर्ड्स होती हैं फ्लेक्सिबल, स्टॉपेबल, रिलेंटिंग और माइल्ड, मतलब नरम, लचीला या जिसे आसानी से बदला जा सके। द स्प्रेड ऑफ COVID-19 इज़ अनरिलेंटिंग एंड इट्स वैक्सीन और मेडिसिन हैव स्टिल नॉट बीन फाउंड। COVID-19 का प्रसार यानी कि फैलना उसका निरंतर है, मतलब लगातार वो फैलता ही जा रहा है और इसकी वैक्सीन या दवाई अभी भी नहीं मिली है या अभी भी नहीं बनाई जा सकी है। तो अनरिलेंटिंग का मतलब होता है अडिग, निरंतर, लगातार या टस से मस ना होने वाला। नेक्स्ट वर्ड है लेजिटिमेट। लेजिटिमेट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है उचित, वैध, कानूनी या मान्य। इसके सिनोनिम वर्ड्स होते हैं वैलिड, रीजनेबल, एक्सेप्टेबल, लीगल और परमिटेड, मतलब जो लीगल हो। इसके एंटोनिम वर्ड्स होते हैं लीगल, इलेजिटिमेट, इनवैलिड, अनऑथराइज्ड, मतलब गैर कानूनी या अमान्य। एमरजेंसी एयर ट्रेवल इन अ लार्ज कंट्री इज अ लेजिटिमेट नीड। एक बड़े देश में आपातकालीन हवाई यात्रा मान्य ज़रूरत है, मतलब इमरजेंसी एयर ट्रेवल एक उचित यानी कि ठीक ज़रूरत है, क्योंकि इमरजेंसी में एयर ट्रेवल की ज़रूरत हो सकती है। नेक्स्ट वर्ड है मिसस्टेप। मिसस्टेप एक नाउन है जिसका मतलब होता है गलती, गलत कदम या भारी भूल। इसके सिनोनिम वर्ड्स होती हैं मिस्टेक, ब्लंडर, मिसडूइंग, फॉल्ट, गेफ, एरर और लैप्स। इसके एंटोनिम वर्ड्स होती हैं एक्यूरेसी, अचीवमेंट, करेक्शन, राइट और सक्सेस, मतलब एक्यूरेसी मतलब शुद्धता, अचीवमेंट उपलब्धि, करेक्शन सुधार, राइट सही और सक्सेस सफलता। इन सभी वर्ड्स के मीनिंग ये होते हैं, लेकिन
मिस स्टेप के अपोजिट की तरह इनका मीनिंग हो सकता है कि सही कदम. वन मिस स्टेप कैन रुइन योर लाइफ, सो बी केयरफुल टू टेकिंग एनी डिसीजन. एक गलती आपके जीवन को बर्बाद कर सकती है, इसलिए कोई भी फैसला लेने में सावधानी बरतें. तो मिस स्टेप का मतलब गलती, भारी भूल या गलत कदम.